ये बात तो आपको कोई भी नहीं कहेगा, मैं शायद इकलौता आदमी हो सकता हूं जो कि आपको ये कह रहा हूं। सोने से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बिल्कुल भी सोने से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। देखो, आपको मोटिवेट करने के लिए कहा जा सकता है कि सोना बंद कर दो, सोना सोने जाने से कुछ नहीं होता, 3 घंटे सो, 2 घंटे सो, घटिया बात है ये, ऐसा बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी मत करना। प्रकृति ने जो इस शरीर की बनावट दी है ना, प्रकृति ने जो हमारे को शेड्यूल दिया है ना, उसमें सोना सबसे अहम पार्ट है। सर, सोने से मालूम क्या होता है, सोने से हमारी सारी एनर्जी जो पूरे दिन काम करके डिग्रेड हो रही थी, वो सारी एनर्जी वापस से बूस्ट हो जाती है, सोने से ये होता है। एक महाभारत की घटना आपको देता हूं। एक राजा थे मुचुकुंद, देवताओं के सेनापति, देवताओं ने उनको सेनापति के लिए तौर पे हायर किया हुआ था। तो कई सालों तक युद्ध चल रहा था, तो सेनापति वो काम कर रहे थे। तो एक बार उन्होंने इंद्र को बोला, भैया बहुत साल से युद्ध किया, अब जरा थक गया हूं, मैं रेस्ट करना चाहता हूं, सोना चाहता हूं, और उसमें जब सोने जाओ तो कोई डिस्टर्ब ना करे। तो इंद्र ने बोला, ठीक है जाओ, जो भी तुमको जगाने के लिए आएगा ना, सोते 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 तुम्हारे शरीर में इतनी एनर्जी इकट्ठी हो चुकी होगी कि तुम्हारी एनर्जी से वो चल जाएगा, जो भी तुमको डिस्टर्ब करने आएगा, जो भी तुमको उठाने आएगा। और घटना ये हुई कि भगवान श्री कृष्ण ने एक दानव को मारने के लिए उनकी एनर्जी का प्रयोग किया, उस दानव को लाके खड़ा कर दिया उनके सामने और डिस्टर्ब करवा दिया, हिलवा दिया। दानव जो है एक लात मार दी उसको सोते हुए, और एक लात मारे जैसे उल्टे आंखों से इतनी एनर्जी निकली कि वो राक्षस जो है खेल खत्म हो गया उसका। सर, सोने में इतनी एनर्जी डेवलप होती है। हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, सोना भोग नहीं होना चाहिए, सोना योग होना चाहिए। भोग का मतलब क्या, 12 बजे तक सोए हुए, फिर दोपहर में भी सो गए, फिर शाम में भी सो गए, अरे सोए हुए पड़े हुए, वो भोग है, उससे एनर्जी बनती नहीं है, उससे एनर्जी और डिस्ट्रॉय होती है। योग की तरह होना चाहिए सोना, सोने का एक टाइम होना चाहिए, सोने का एक ड्यूरेशन होना चाहिए। अगर 6 घंटे बोलते हो तो 6 घंटे सो, 5 घंटे बोलते हो तो 5 घंटे सो, 8 घंटे अगर सोने की आदत है तो 8 घंटे सो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो फालतू सब बातें हैं कि 2 घंटे सो, 3 घंटे सो, जगे रहो, काम में हम व्यस्त हैं तो सोना प्यास सब, अरे बर्बाद हो जाओगे। आपने कभी फील भी किया होगा, अगर 2 रात आप बिना सोए काम करो तो 3रे दिन काम करने की एनर्जी बचती नहीं है, फिर दिन में ही नींद आएगा, फिर प्रोडक्टिविटी खराब होती है। अब तो क्या फायदा है ऐसा काम करके, इससे अच्छा रात में सो ना। स्लीप बहुत बड़ा एनर्जी बूस्टर होता है, बहुत बड़ा एनर्जी बूस्टर रहता है सही नींद, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का। बिल्कुल सही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।